हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। हाजिर हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, अगर आपको वो पसंद आए तो हमारे ये वीडियो भी देखिए। दोस्तों, सीखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर तो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, हमारे कंटिन्यूस वीडियो आपके पास पहुंचते रहे तो बेल आइकन को प्रेस करें। समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल सोइल फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सी है। मोस्ट सुटेबल तो एलुवियल सोइल होती है जो सभी क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए सुटेबल होता है, लेकिन कुछ जैसे ब्लैक सोइल इज सुटेबल फॉर कॉटन, सोयाबीन एंड वीट। लैटराइट सोइल इज वेरी सुटेबल फॉर मैंगो एंड एलुवियल मोस्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलिंग परसेंट ऑफ बीट। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर है डी, 7%। रॉकर स्प्रेयर इज यूज फॉर स्प्रेइंग। दोस्तों, रॉकर स्प्रेयर क्या होता है सबसे पहले जानना जरूरी है। एक छोटी सी मशीन होती है इस तरह से, और उसमें एक जो पंप होता है, पाइप होता है, उसको बाल्टी में डाल देते हैं, दूसरे पंप से पैर से प्रेस करते हैं उसको ऊपर नीचे, और तीसरा जो इसमें से जो पाइप होता है उससे स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, इस तरह का होता है, इसको पैर से प्रेस करते हैं, पाइप से वो पानी खींचता है और ये निकलता रहता है। तो ये स्मॉल क्रॉप, टाल क्रॉप, गोडाउन सभी के लिए यूजफुल होता है। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ बीट। तो दोस्तों, 20 से 25 है सूटेबल ऑफ मोस्ट ऑफ क्रॉप्स। तो ध्यान रखिए, 20 से 25 जो होता है मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए, ज्यादातर क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टू ड्रॉट इन बनाना क्रॉप इज। दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं कि ड्रॉट के लिए सबसे ज्यादा, सबसे कम और मीडियम कौन सेंसिटिव है। तो दोस्तों, बनाना तो मीडियम ड्रॉट सेंसिटिव है। इसका सोर्गम एंड मिलेट्स भी मीडियम है। जो सुगर बीट होता है वो लो, मतलब कम सेंसिटिव होता है। और जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है टोमेटो एंड कैबेज, इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है, ये ड्रॉट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो याद रखिए, बनाना मीडियम होता है, शुगर बीट लो होता है, लो ड्रॉट सेंसिटिव है, और टोमेटो और कैबेज मीडियम टू हाई ड्रॉट सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आप जैसे देख सकते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है। एनपीके को हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। सेकेंड यूनिट कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर। दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एनपीके सबको मालूम है, कंफ्यूज लोग यहाँ के होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंड में आते हैं, कुछ इनको माइक्रो में लगा देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन जो होता है, दोनों माइक्रो मैक्रो के बीच में आता है, लेकिन इसको कंसिडर माइक्रो में ही करते हैं। जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, कैल्शियम एंड निकेल। निकेल इज 17th माइक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक बेरी इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो दोस्तों, इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ग्रेप। मैंगो के फिजियोलॉजिकल से मैंगो मालफंस है, टपका है, फ्रूट ड्रॉप है, झुमका है, ब्लैक टिफ है, टापर टिफ है, ये मैंगो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बनाना के नीर बजाही, कोट्टा बजाही एंड चॉक थ्रॉट। पोमग्रेनेट का होता है पोमग्रेनेट बस्टिंग और क्रेकिंग। दोस्तों, ये बोरोन की कमी से होता है। सेल डिवीजन इज मेन फंक्शन ऑफ। दोस्तों, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन होता है। साइटोकाइनिन से बहुत तीव्र गति से सेल डिवाइड होती हैं। आईबीए का मेन फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस, मतलब अगर आईबीए जिस प्लांट में ज्यादा है तो वो प्लांट लंबा लंबा ग्रोथ करता जाएगा, और जो साइड ब्रांचेज होती हैं वो ग्रोथ कम करती हैं। जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो इंटरनोडल लेंथ को इलोंगेशन बढ़ाता है, मीन्स जो गठाना के बीच में जो दूरी होती है उसको ज्यादा बढ़ाता है, मीन्स इंटरनोड लेंथ, सेल इलोंगेशन जैसे कहें।
इथिलीन गैसीय हार्मोन है, इसको रैपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है विच वन इज ए गैसीय हार्मोन, तो इथिलीन, और विच वन इज ए रैपनिंग हार्मोन, तो इज इथिलीन। नेचुरल ऑक्सीजन एच, तो दोस्तों नेचुरल ऑक्सीजन आई ए है, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड जो होता है वो नेचुरल होता है, इंडो नेपलिंग एसिड ये सिंथेटिक है दोस्तों, ये फूड ड्रॉप को कंट्रोल करता है, आईबीए भी सिंथेटिक है, 2,4-D भी सिंथेटिक है, ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ब्रॉड लीव्स को मारता है। नागपुर मैंडरिन इज प्रोपगेटेड विच प्लांट प्रोपगेशन टेक्निक्स, मीन्स नागपुर मैंडरिन जो होता है उसको कौन सी प्लांट प्रोपगेशन टेक्निक से डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो दोस्तों उसमें टी बडिंग मेन होता है, टी बडिंग उससे प्रोपगेशन करते हैं, पेज कटिंग बेल वगैरह में करते हैं, ईयर लेयरिंग लीची है और हमारा गावा है। ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन विंडो बॉक्स इज नॉन एज, तो दोस्तों अगर हम विंडो में किसी प्लांट्स को ग्रो करते हैं इंडोर गार्डन में तो हम उसको विंडो गार्डनिंग बोलते हैं। मेन एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन अ कंट्री फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस शुड बी, दोस्तों आप सबको मालूम है अभी इकोलॉजिकल का बहुत इशू है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें इसके बैलेंस के लिए कम से कम 33% एरिया होना चाहिए और हमारे पास प्रेजेंट में लगभग 24% एरिया है। मिनिएचर गार्डन अंडर क्लोज कंटेनर, तो जो क्लोज्ड कंटेनर में जो गार्डन होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों टेरेरियम बोलते हैं, टेरेरियम इज कॉल्ड एज क्लोज कंटेनर मिनिएचर गार्डन। पोलिनेशन इन रबर इज कंप्लीटेड बाय, तो दोस्तों रबर में पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, इस क्वेश्चन में हम कम से कम 4-5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हाउस फ्लाई से किसमें होता है, तो दोस्तों मैंगो में होता है। ईयर से किसमें होता है, तो सपोटा एंड पपाया में होता है। फिग वेस से किसमें होता है, तो दोस्तों जितनी भी फिग होती है ब्लास्टोफिग इंसेक्ट होता है उसमें जो उनमें होता है, और इसी से रबर में होता है। बीबिल से किसमें होता है, दोस्तों बीबिल से जो ऑल पाम होता है, तो ऑल पाम का पोलिनेशन बीबिल के थ्रू होता है। बनाना में बर्ड के थ्रू होता है दोस्तों, बनाना में बर्ड के थ्रू होता है। वाटर के द्वारा किसमें होता है दोस्तों, तो अपना जो ब्लैक पेपर होता है उसमें वाटर से पोलिनेशन होता है। विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन लेट्यूस, तो दोस्तों सबको मालूम है लेट्यूस में क्लिस्टोगैमी होती है, क्या क्लिस्टोगैमी होती है, तो इसका मतलब लेट्यूस में क्या पाया जाएगा, क्योंकि क्लिस्टोगैमी मतलब फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है, तो इसमें सेल पोलिनेशन होगा। सैफ्रन इज अ सोल क्रॉप ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो दोस्तों आपको पता है सैफ्रन जम्मू एंड कश्मीर में होती है, लेकिन इसमें अगर कहीं जम्मू आंसर नहीं है तो स्पेशल कश्मीर में सैफ्रन होती है। तो सिक्किम में ट्यूलिप बहुत होता है, सिक्किम में ट्यूलिप गार्डन है। हिमाचल प्रदेश को बॉल ऑफ एप्पल बोलते हैं, दोस्तों याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज ए लॉन्ग डे प्लांट, तो दोस्तों पोटैटो इज लॉन्ग डे प्लांट, वीट इज लॉन्ग डे प्लांट, टोमेटो इज डिनर प्लांट एंड स्वीट पोटैटो इज शॉर्ट डे प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि स्वीट पोटैटो किस तरह का प्लांट है, तो यह शॉर्ट डे है, पोटैटो लॉन्ग डे है, टोमेटो डे न्यूट्रल है। दोस्तों एक जनरल कंसेप्ट अगर हम याद रखें, जो क्वेश्चंस जो क्रॉप्स सर्दियों में ग्रो किए जाते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं, और जो क्वेश्चंस गर्मियों के होते हैं वो शॉर्ट डे होते हैं, अदर क्वेश्चंस जो रेनी वगैरह जस्ट आते हैं एक एग्जांपल के लिए वो डे न्यूट्रल होते हैं। विच वन इज अ मोस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, तो दोस्तों ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप कहेंगे इसमें पोमग्रेनेट ड्रॉप रेसिस्टेंट है, अब सबसे ज्यादा ये है सुगर बीट, दोस्तों सुगर बीट है मोस्ट हाईएस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, उसके अलावा उसके बाद पोमग्रेनेट आता है। कैट फेस इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, दोस्तों कैट फेस किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो कैट फेस टोमेटो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और पोटैटो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हॉलो होता है उसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट बोलते हैं, कैरेट का फॉर्किंग बोलते हैं, रेडिश में भी फॉर्किंग होता है। काश आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय,
अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो दोस्तों आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिखाएं और हमारे इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें। लिटिल लीफ और ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, ये किससे होता है? अगर आप बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बता पाते हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।